मुझे 11 दिन हो गए हैं और मैं इसी कमरे में बंद हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है, टॉयलेट बाथरूम, और इसी कमरे में बंद हूँ। बस घर के नीचे गया जहाँ रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहीं से कुछ बनाया खाने का सामान, ऊपर आ गया। और मेरे रेस्टोरेंट के अगल बगल में 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी घर नहीं है, कोई भी बार नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ अब नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सब लॉकडाउन, सबको बंद करो। तो 11 दिन से ये सब बंद है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि इटली दुनिया के चिकित्सा के अंदर नंबर 2 पे आती है। इटली ने इस महामारी के आगे अपने हाथ खड़े कर रखे हैं। सोचिए आप, इटली ने इस महामारी के आगे अपने हाथ खड़े कर रखे हैं। हम लोग बिल्कुल केयरफुल हैं। मास्क का डब्बा आप देख रहे हैं, पूरा डब्बा पैकेट ला रखा मैंने, और पूरी बोतल। ये जब भी हम लोग नीचे जाते हैं अपने रेस्टोरेंट से बाहर, नीचे बाजार में नहीं बता रहा हूँ, मैं शहर में नहीं बता रहा हूँ, नीचे अपने रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं, तो ये बोतल मेरे जेब में होती है, मास्क मेरे मुंह पे लगाया होता है। लेकिन मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है, मेरे देशवासियों, आपको अगर देश के प्रधानमंत्री या सरकारी लोग आपको समझा रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। और उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है जो अफवाहें फैला रहे हैं, प्लीज अफवाहें मत फैलाएं, प्लीज मत फैलाएं। मैं वो दृश्य देख चुका हूं, वो सीन देख चुका हूं कि जो आप लोग देख नहीं सकते। और मैं उन डॉक्टरों को, नर्सों को नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, जो रात दिन भूख प्यास सब कुछ दांव पे लगा के लगे हुए हैं। कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो लोग मानव सेवा के लिए लगे हुए हैं। मैंने जब उनको देखा, जब न्यू टीवी के अंदर जब दिखाया, लाइव दिखाया गया, तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। ये लोग नीचे फर्श पे सो रहे हैं, 10 मिनट का टाइम मिला तो सो रहे हैं, 15 मिनट का टाइम मिला तो सो रहे हैं। तो प्लीज मेरे देशवासियों, मेरी प्रार्थना मानिए, जो सरकार आपको नियम बता रही है उनका पालन कीजिए। 1 मीटर की दूरी से ही आपको बात करनी है, 1 मीटर की दूरी से। मास्क आपके चेहरे पे होना चाहिए, बोतल आपकी जेब में होनी चाहिए। आप बाहर जा रहे हैं, बोतल आपकी जेब में होनी चाहिए। सनराइज कहीं भी आप किसी वस्तु को आपने छुआ, तुरंत हाथ। आप लोग ये भूल मत करें कि ये हवा में फैलता है, नहीं, ये छूने से फैल रहा है, ये छूने से फैल रहा है। ये मुंह, नाक और आंख के जरिए इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि सरकार की जो भी नियम है उनका पालन कीजिए। अगर ये हिंदुस्तान में आ गया, ये मेरी आप लोग एडवाइस मान लो या चेतावनी मान लो, जो भी आपको मानना है वो मान लो, अगर ये हिंदुस्तान में अगर आ गया, फैल गया, तो मेरे देशवासियों, मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान में तांडव करवा देगा और लाशों का अंबार लग जाएगा। हमारे पास इतनी अच्छी चिकित्सा नहीं है। अगर किसी बंदे को डेंगू हो जाता है ना, मैं गंगानगर का रहने वाला हूं, राशिनगर का, और अगर किसी बंदे को डेंगू हो जाता है तो उसे जयपुर या बीकानेर रेफर किया जाता है। डेंगू का इलाज नहीं है हमारे पास। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी विनती को सुने और अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि 3 दिन तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये आपको हो गया है। आप पूरे घर को ले डूबोगे, पूरे मोहल्ले को ले डूबोगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जो गलती इटली ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, स्पेन ने की है, वो आप ना करें। इन लोगों ने पहले मजाक में ले लिया और अब गले में हड्डी अटक गई हमारे। हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? फ्लाइटें बंद है, ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ये चीज हो। समझने की कोशिश करो आप लोग। अफवाह ना फैलाएं कि प्याज खाने से ठीक हो जाएगा, 10 रुपए का झाड़ा लगा, मत कीजिए ये चीज। अपने घर में बैठे और अपना मेडिकल इलाज खुद कीजिए। चेक कीजिए आप अपने सांस को, फुलाएं, और अगर आप 35 सेकंड या 40 सेकंड अपने सांस को रोक सकते हो तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो। क्योंकि जिसको कोरोना वायरस हुआ ना, वो 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज्यादा अपने सांस को रोक नहीं पाएगा फुलाकर। तो अपने घर पे इलाज कीजिए, मास्क का यूज कीजिए, थर्मोसैनिटाइजर का यूज कीजिए। प्लीज, जिंदगी रही तो पैसे फिर कमा लोगे और जिंदगी नहीं रही तो घंटा भी नहीं कमा पाओगे।
आपकी एक गलती आपको तो ले डूबेगी, अपने पूरे परिवार को ले डूबेगी और पूरे मोहल्ले को ले डूबेगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज अफवाह पर ध्यान मत दे, अपनी सुरक्षा कीजिए और भीड़ भाड़ बिल्कुल मत होने दीजिए। अगर आपको छींक आती है तो अपने हाथों का यूज मत कीजिए, टिश्यू है तो उसका यूज कीजिए, अन्यथा अपनी बॉडी का यूं यूज कीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग यहां भुगत भोगी है, इटली भुगत भोगी है, हम लोग बंद है एक कमरे के अंदर। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कह पा रहा हूं। हम लोग मूर्ख नहीं है, घूम बाहर हम भी जा सकते हैं, लेकिन हम पालन कर रहे हैं सरकार के नियमों का। तो आपसे प्रार्थना है कि प्लीज बाहर मत जाइए, इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बोल सकता।